संदेश खाली के शैतान को बचाने एससी पहुंची ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए नहीं सुनी एक भी दलील। सीबीआई कर सकेगी अब शेख शाहजहां को गिरफ्तार। संदेश खाली के शैतान शेख शाहजहां को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये भी कहा था सीबीआई और ईडी भी उसकी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार शेख शाहजहां का कुछ ऐसे बचाव करे जैसे वो ममता सरकार का सबसे कीमती आदमी हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार यानी 5 मार्च 2024 को जब सीबीआई को शेख शाहजहां को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी तो ममता बनर्जी की सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता बनर्जी की सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का विरोध कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को झटका दे दिया है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या था मामला? ममता बनर्जी की सरकार ने संदेश खा ली और शेख शाहजहां मामले में सीबीआई जांच के तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई तुरंत करने की जगह इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फैसला करना है कि मामले की सुनवाई कब हो। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अदालत में ये अर्जी लगाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई जांच सौंपे जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सीबीआई तुरंत शेख शाहजहां को अपने कब्जे में लेना चाहती है, जबकि हमारे राज्य की एसआईटी इस मामले की जाँच कर रही है। ऐसे में शेख शाहजहां को सीबीआई को तुरंत नहीं सौंपना चाहिए। मंगलवार 5 मार्च को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। शेख शाहजहां को बचाने में ममता ने लगाया पूरा जोर। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 6 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय को इस बात की अनुमति दे दी कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर सके। हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को ईडी और सीबीआई को सौंपने के निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार को दिए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार ने शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा था। इस मामले में ईडी के वकील कलकत्ता हाईकोर्ट से अवमानना की कार्रवाई के तहत केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने मान लिया।